Hello students, last class we have done till question number 10, that was a part 1 of the preparation series for NTSC chemistry. Now let us move to the next questions, the question number 11, okay? So the question number 11 says, in which of the following substances intermolecular force of attraction is the maximum? अब हमने पहले ही पता किया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस या पार्ट किसी भी मैटर में, हर मैटर मॉलिक्यूल से बना होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से. तो अब मैं बोल रही हूँ सॉलिड एकदम रिजिड होता है और लिक्विड और गैस फ्लूइड जैसे होते हैं, मतलब वो फ्लो कर सकते हैं. इनके पीछे रीज़न क्या होता है? सॉलिड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो हाई है, इसलिए वो एकदम दबे हुए होते हैं, इसलिए एकदम रिजिड होते हैं, एकदम टाइट होते हैं. लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है, हम हाथ आराम से हवा में निकाल सकते हैं, पानी में भी हाथ निकाल सकते हैं. इसका मतलब क्या, वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे मिनिमम होता है. तो अब ऑब्वियसली क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम किस में होता है, तो ऑब्वियसली एक सॉलिड में होता है. तो चारों ऑप्शन में जो सॉलिड होगा वो आंसर होगा हमारा. तो आयरन बार, आयरन का एक लोहे का एक टुकड़ा, वो तो ऑब्वियसली सॉलिड है. वाटर लिक्विड है, एयर गैस है, नाइट्रोजन गैस है. इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आयरन बार. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. वाटर स्टिक्स टू ग्लास ड्यू टू, पानी ग्लास से क्यों चिपका हुआ होता है? पहली देखो, अब इसको समझने के लिए हमको दो फिनोमेना सीखना पड़ेगा. एक होता है अडहेसिव फोर्स, एक होता है कोहेसिव फोर्स. इसका मतलब देखते हैं. कोहेसिव फोर्स का मतलब ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स एक जैसे होते हैं वो जिस फोर्स की वजह से दूसरे से चिपके हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तुम पानी ग्लास में डालते हो तो पानी बहता है, एक साथ आता है. ये तो नहीं होता ना कि एक H2O मॉलिक्यूल गिरा, फिर दूसरा H2O मॉलिक्यूल गिरा, फिर तीसरा H2O मॉलिक्यूल गिरा, नहीं ना, पूरा पानी एक साथ बहता है. तो ये H2O मॉलिक्यूल्स जो है, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े किस वजह से हैं, वो कोहेसिव फोर्स की वजह से जुड़े हुए हैं. तो वो फोर्स जो एक टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगे उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स. ठीक है, अडहेसिव फोर्स का मतलब क्या था? अडहेसिव फोर्स का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग टाइप के मटेरियल है उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं अडहेसिव फोर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने अगर फेविकॉल का डब्बा कभी पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा अडहेशन या अडहेसिव. ठीक है, उसका मतलब क्या है कि तुम इसको यूज़ करके किसी भी दो चीज़ को जोड़ सकते हो. तो वो दोनों चीज़ क्या, अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमको पेपर के ऊपर तुमको स्टिकर चिपकाना है, तो जब स्टिकर चिपका रहे हो तो पेपर एक अलग सब्सटेंस है, स्टिकर एक अलग सब्सटेंस है, और तुम उन दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो. तो जब हम दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं हम अडहेसिव फोर्स. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वाटर स्टिक्स टू ग्लास. वाटर एक मॉलिक्यूल है अलग टाइप का, ग्लास एक अलग मॉलिक्यूल. तो दो अलग टाइप के मॉलिक्यूल हुए ना, तो उनके जब दो अलग टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अडहेसिव फोर्स. ओके, नेक्स्ट आंसर इज ए. ओके, आंसर है ए. बाकी ऑप्शन अगर आप चाहो तो हम रीड कर सकते हैं. बाकी ऑप्शन क्या कहता है, कोहेसिव फोर्स. हमें पता है कोहेसिव हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं. थर्ड ऑप्शन भी कोहेसिव बोलता है, फोर्थ ऑप्शन भी कोहेसिव बोलता है, तो नहीं, मेरा आंसर अडहेसिव है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग. इनमें से चारों में से गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है. तो पहला स्टेटमेंट कहता है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड पॉजेस ओनली वाइब्रेटरी मोशन. और लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सेंटेंस मीन. देखो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तुम हो, मैं हूँ, ट्री है, प्लांट है, जो भी है दुनिया में, हर किसी के अंदर जो एटम्स होते हैं या फिर जो सेल्स होते हैं वो हमेशा एक स्मॉल वाइब्रेशन करते रहते हैं. वो इतनी छोटी वाइब्रेशन होती है ना जो हमको दिखती भी नहीं है, लेकिन ऐसा है, हर बॉडी इस यूनिवर्स में वाइब्रेट कर रही है लेकिन बहुत धीरे, जो दिखती भी नहीं है. अब क्या है, लिक्विड और गैस के केस में क्या हो जाता है कि वह वाइब्रेशन के साथ साथ वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी हाई है मॉलिक्यूल्स की. सॉलिड्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी हाई क्यों नहीं है, क्योंकि सॉलिड जो है रुका हुआ दिखता है. तुम डस्टर को रख दो, डस्टर रुका हुआ ही दिखता है. तुम हवा को एक जगह छोड़ोगे, हवा क्या वहीं रहेगी? नहीं, हवा बहना शुरू हो जाएगी क्योंकि हवा में लग जाती है काइनेटिक एनर्जी, है ना. लिक्विड को देख लो, पानी जो है समंदर में या रिवर में बहता रहता है ना, ऐसे नहीं पानी रुक गया, क्योंकि उनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है. लेकिन वही मैं पहाड़ को रख लूँ, क्या पहाड़ हिलता अपनी जगह से? या तुम एक जगह अगर बैठ गए हो अपने आप हिल जाओगे क्या? अंटिल अर्थक्वेक ना लगे
लेकिन अपने आप तो नहीं हिलोगे ना, तो वही बोलते हैं जो सॉलिड होते हैं। सॉलिड के अंदर सिर्फ छोटे छोटे वाइब्रेशंस होते हैं, लेकिन लिक्विड और गैसेस में क्या होता है, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी है ना, या फिर उनके अंदर एक प्रॉपर्टी बोलते हैं फ्लूइडिटी। ठीक है, अब यहाँ देखो ऑप्शन क्या पूछा है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड प्रोड्यूस वाइब्रेटरी मोशन, करेक्ट। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, करेक्ट। सॉलिड हैज़ ओनली वन फ्री स्पेस, वन फ्री स्पेस का मतलब क्या बोला इन्होंने कि तुम सिर्फ एक, बाकी जगह से बंधे होते हैं, बस एक तरफ से खुला रहता है। मतलब मान लो तुम्हारे हाथ में डस्टर है, मतलब तुम डस्टर को एक ही तरफ से पकड़ सकते हो, बाकी पांचों साइड उसकी बंधी हुई होती है। ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, हम भी जानते हैं, तो गलत हुआ ये। और गैसेस आर हाईली डिफ्यूजिबल, डिफ्यूजिबल मतलब जो बहुत डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी अपनी खुशबू फैला देते हैं दूर दूर तक, तो गैसेस तो करते हैं ऐसा। तो आंसर क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर सी इज़ माई आंसर। ओके, नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, अ लिक्विड डिस्टर्ब्ड बाय स्टेरिंग कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ। अ लिक्विड जो है, अगर कोई पानी को तुम हिला रहे हो, स्टर करना मतलब उसको घुमाना, उसमें कुछ, उसे हम बोलते हैं ना कि चीनी घोलनी है, तो हम क्या बोलेंगे, स्टर द सल्यूशन, मतलब चीनी को, मतलब पानी को घुलाओ। ठीक है, तो ये बोला कि तुम पानी को डिस्टर्ब कर देते हो, उसको हिला देते हो अपनी जगह से, ठीक है, तो वो थोड़ी देर बाद वापस से शांत क्यों हो जाता है, किस वजह से, क्या ऐसा होता है कि पानी को तुम ग्लास को हल्का सा धक्का मारते हो, थोड़ी देर तक पानी उछलता है, उसके बाद अपने आप शांत हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले रीजंस दे रखे हैं, कंप्रेसिबिलिटी, पानी कंप्रेस हो रहा है क्या इस केस में, नहीं हो रहा ना, आंसर ए इज़ रॉन्ग। बी होता डिफ्यूजन, डिफ्यूजन किस केस में होगा, ये हवा में चीज़ें फैलनी हो, लेकिन मुझे पता है पानी तो हवा में नहीं फैलता है, तो बी ऑप्शन कर लेता। अब सी एक नया वर्ड पढ़ रहे हो तुम, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि हमारा जो कोई भी लिक्विड होता है ना, वो देखा कुछ लिक्विड गाढ़ा होता है, कुछ लिक्विड कम गाढ़ा होता है, तो गाढ़ापन जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, अब देखो, अब समझ लो तुमको कुछ पता ही नहीं था विस्कोसिटी के बारे में, लेकिन तुम्हें कंप्रेसिबिलिटी और डिफ्यूजन तो पता था क्या होता है। अब तुमको पता है ये दोनों आंसर नहीं है, तो इन केस तुमको आंसर नहीं भी पता था, तुमको पता था सी ऑप्शन ही बचता है, क्योंकि डी ऑप्शन तो ऑल ऑफ दी अबव की बात कर रहा है, जबकि मेरा केस ऐसा है नहीं, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर है या तो सी, बस मतलब सी ही है, और इसका मतलब भी यही है, क्योंकि पानी में कुछ गाढ़ापन है, इसलिए पानी को ठहरा रहा है ना। पानी अगर हवा की तरह होता तो बहता ही रहता ना, लेकिन पानी में कुछ तो ठहराव है, पानी वापस से ग्लास में ही आ जाएगा ना, उछल के वापस से बैठ जाएगा। वो क्यों बैठ रहे, क्योंकि पानी में भी जो कुछ गाढ़ापन है जिसको वो रोक लेता है। जैसे सेम चीज़ अगर तो मैं बोलती हूँ, जब शहद होती है, शहद को जब हम एक किसी ग्लास में, तो मेरी मम्मी किसी स्पून से निकालती हूँ, तुमने देखा होगा शहद कभी भी पानी की तरह नहीं बहता, एकदम गाढ़ेपन की वजह से धीरे धीरे लेयर बाई लेयर बहता है ना। तो किसी के गाढ़ेपन की वजह से, तुम सोचो एक ग्लास पानी है और एक ग्लास शहद है, तुमने दोनों को इक्वल धक्के से मारा, शहद वाला ग्लास तो हिलेगा ही नहीं, वो शहद तुम्हें देखना ऐसे का ऐसे ठहरा हुआ है, लेकिन पानी वाला ग्लास हिलने लगेगा, क्योंकि पानी की विस्कोसिटी शहद की विस्कोसिटी से कम है, लेकिन है तो कुछ तो विस्कोसिटी है, और विस्कोसिटी की वजह से वापस वो ग्लास में बैठ जाता है। तो इसका आंसर है अपना सी, विस्कोसिटी। 15th क्वेश्चन में आते हैं, बाय विच प्रॉपर्टी आर गैसेस एंड लिक्विड्स डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड। ओके, देखो NTSC में आ चुका है ये, बाय विच प्रॉपर्टी आर गैसेज एंड लिक्विड सॉलिड से अलग क्यों हैं। अभी हमने बात की थी इस प्रॉपर्टी की, देखो वॉल्यूम हर किसी का होता है, मास हर किसी का होता है, कंडक्टिविटी तुम्हारा सॉलिड भी कर सकते, कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने की एबिलिटी, ठीक है, गैस भी करती है, सॉलिड भी करती है, लिक्विड भी करती है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो बस ऑप्शन बचा तुम्हारा डी, फ्लूइडिटी, क्योंकि फ्लूइडिटी का मतलब क्या, फ्लो करना, सॉलिड तो फ्लो नहीं करते हैं, लेकिन गैस एंड लिक्विड मेरे फ्लो करते हैं, तो आंसर विल बी डी। 16th क्वेश्चन देखो, इन विच स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इट हैज़ दिस शेप, कौन से स्टेट है मैटर का जिसके पास शेप होता है, ऑब्वियसली सॉलिड होता है ना, बाकी तीन दो तो होते ही नहीं है। नेक्स्ट, ऑन कन्वर्टिंग 308 केल्विन, 329 केल्विन एंड 391 केल्विन टू सेल्सियस स्केल, द करेक्ट सैम्पल ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। अब देखो इसके लिए तुमको मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ यहाँ पे, ओके, लेट्स टेक दिस कलर। सो हमेशा याद रखना, डिग्री सेल्सियस से, डिग्री सेल्सियस
degree Celsius to Kelvin convert कैसे करते हैं, ठीक है, convert करना है हमको, ठीक है, कैसे करेंगे। मान लो तुम्हारे पास कोई बोला है जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, हाँ, कि ऑन कन्वर्टिंग 308 केल्विन टू सेल्सियस, अच्छा ये केल्विन टू सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस टू केल्विन पहले बताती हूँ। मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 डिग्री सेल्सियस, वन सेकेंड, हम लोग ज़रा क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो मान लो मैंने बोला है कि 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जो भी डिग्री सेल्सियस हो दिया होगा उसमें प्लस 273 कर लो, प्लस 273 कर लो, तो वो मिल जाएगा तुम्हारा केल्विन में। तो 273 प्लस 5 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 278 केल्विन। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, कोई भी डिग्री सेल्सियस दिया हो, डैश डिग्री सेल्सियस प्लस 273 है ना, क्या दे देगा हमको, हमको दे देगा केल्विन टेम्परेचर। ओके, अब वही चीज़, अब मैथ्स का देख लो, अब मुझे पूछा है केल्विन डिग्री सेल्सियस, तो मैं क्या करूँगी फॉर डिग्री सेल्सियस, मैं क्या करूँगी, देखो फॉर डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू देन केल्विन माइनस 273 विल गिव मी द डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया, हम जाते हैं अपने क्वेश्चन में, है ना, हमारे क्वेश्चन में दिया है हमको, मैं एक बार इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। अब मेरे को क्वेश्चन दे, मेरे क्वेश्चन ने पूछा है कन्वर्ट 308 केल्विन, 329 केल्विन एंड 391 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। सो अब यहाँ आते हैं, मेरे को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है ना, तो पहला वाला क्या दिया था, मैं तो वापस देखूँगी, 308 केल्विन है ना, तो 308 केल्विन को कन्वर्ट करो डिग्री सेल्सियस, तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इस वाले फॉर्मूला में, तो हमारा केल्विन में दे रखा है 308, तो 308 माइनस 273 करो कितना आएगा, तो लेट अस डू द माइनस हियर, सो 8 माइनस 3 इज 5 एंड देन 8 माइनस 3 इज 5, 10 माइनस 7 इज 3, तो 35 डिग्री सेल्सियस, एक आंसर ये है। दूसरा मेरा क्या है, चलो मेंटल कैलकुलेशन करेंगे, 329 माइनस 273 करो, सो इट विल बी अराउंड 56 है ना। नेक्स्ट इज 391 को माइनस करोगे, तुम्हारा फाइनल आंसर जो होगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक बार ट्राई करो खुद से, आंसर मुझे बताओ कि तुम्हें क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, आंसर सी आएगा, ठीक है। आई होप ये एक वाला क्लियर है। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 18, लेट अस गो बैक टू क्वेश्चन नंबर 18, हम काफ़ी, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 में हैं, 18 क्या कहता है, सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट, ठीक है। सो गई थी सीमा, गई है सीएनजी यूनिट में, है ना, नेचुरल गैस जहाँ पे कंप्रेस होता है, और उसने देखा दैट गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब उसने कहा एक कोई कंडीशन होती है टेम्परेचर प्रेशर की, उसी में गैस लिक्विफाई कर सकते हैं। सो वाइल शेयरिंग हर एक्सपीरियंस विद फ्रेंड्स शी गॉट कन्फ्यूज्ड, हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ कंडीशंस, ठीक है। तो सीमा अब टेंशन में आ गई है कि भाई मतलब मैंने क्या कंडीशन देखी थी कि जिसमें एक गैस लिक्विफाई हो सकती है, तो हमेशा याद रखना कि तुमको गैस से लिक्विड में अगर आना है, गैस से लिक्विड में आना है, तो हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले प्रेशर काफ़ी हाई होना चाहिए, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, हमेशा याद रखना। जब भी हम किसी गैस को ठंडी करते हैं, है ना, एक गिवन अमाउंट ऑफ प्रेशर में जब हम गैस को ठंडा करते हैं ना, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो हमारा आंसर होगा लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ओके, जस्ट टू मोर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ, गर्मी के समय में पानी जो एक अर्दन पॉट में रखा होता है वो ठंडा क्यों हो जाता है, तो ये तो बहुत अच्छे से पता है हमें बच्चों,
मटके का पानी जो होता है वो ठंडा होता है गर्मी में। बहुत लोग के घरों में मटका मम्मी पापा लेके आते होंगे पानी पीने के लिए, क्यों? क्योंकि मटके में एक प्रोसेस हो रही है जिसकी वजह से पानी ठंडा होता जा रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एवोपरेशन। अब दूसरे दो प्रोसेस का नाम भी समझ लेते हैं, तो ये ट्रांसपिरेशन और ऑस्मोसिस क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का मतलब ये होता है जो पत्ते होते हैं ना प्लांट्स के, उनके थ्रू जो वाटर का एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। पत्तों पे है ना, होता है ना, ओस गिरती है सुबह, देखा होगा तो क्या होता है उस पर, पत्तों पे भी पानी पानी दिखता है ना, वो सब ट्रांसपिरेशन। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि पानी का पेड़ के अंदर ही या बॉडी के अंदर ही सेल्स के बीच में जो वाटर का एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है? लेकिन हमारा दोनों नहीं है, हमारा क्या है? एवोपरेशन। आंसर इज एवोपरेशन। ओके, लास्ट क्वेश्चन। ओके, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द एवोपरेशन ऑफ वाटर? इवोपरेशन ऑफ वाटर किस कंडीशन में इंक्रीज होती है? सबसे पहले इवोपरेशन का मतलब क्या होता है कि एक हिंदी में बोलो तो कपड़े, देखो कपड़े सूख जाते हैं मम्मी जब फैला देती हैं, लेकिन अगर तुम कपड़ों को गोटे करके डाल दोगे क्या जल्दी सूखेंगे? नहीं। फिर वही चीज़ देखो, चाय ठंडी करनी है तो अगर तुम किसी मोटे मुंह वाले बर्तन में अगर चाय पीते हो वह जल्दी ठंडी होती है कंपेयर टू तुम छोटे मुंह वाले बर्तन में पीते होता होगा। देन कपड़े जिस दिन हवा तेज़ बहती है उस दिन जल्दी सूखती है। एक और चीज़, गर्मी के दिनों में भी कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्यों? क्योंकि ये सबसे क्या होता है, एवोपरेशन का रेट हाई होता है। तो एवोपरेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? टेम्परेचर बढ़ा होना चाहिए, सरफेस एरिया बढ़ा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में अगर पानी ज़्यादा है तो कपड़े का पानी कहाँ जाएगा? कपड़े को पानी सूखने के लिए हवा में पानी कम होना चाहिए, इसलिए जिस दिन ह्यूमिडिटी कम होगा उस दिन विंड स्पीड हाई होना चाहिए, तब हमारा एवोपरेशन का रेट इंक्रीज होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द एवोपरेशन ऑफ वाटर? इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली टेम्परेचर का बढ़ना। डिक्रीज इन टेम्परेचर रॉन्ग है। लेस एक्सपोज सरफेस एरिया रॉन्ग। मोर एक्सपोज सरफेस एरिया, हमें ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई होप यू लाइक इट। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।